दोस्तों पूरी दुनिया में हजार से भी ज्यादा प्रकार के शार्क पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क है। ठीक उसी तरीके से आज हम एक ऐसे शार्क के बारे में जानेंगे जिसका नाम मुझे बहुत अनोखा लगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे नर्स शार्क के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय राजपुरोहित, आप सभी का स्वागत है द एनिमल एडवेंचर पे, जहाँ पर हर हफ्ते दुनिया के अलग अलग प्राणियों के बारे में बताते रहते हैं। अगर ये जानकारी आपको वाकई में पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्स शार्क, जिसे काउच पोटैटो ऑफ द शार्क वर्ल्ड के नाम से जान जाते हैं, नर्स शार्क फैमिली से बिलोंग करते हैं और नर्स शार्क को बॉटम ड्वेलर भी कहते हैं, क्योंकि यह समंदरों के गहराई में रहते हैं और उनके जॉ जिसमें टोटल 1000 दांत पाए जाते हैं। और नर्स शार्क काफी शांत स्वभाव के हैं, अगर आप उसे चीरते हो तो ही वो काटेंगे। दूसरे मछलियों की तरह ठंडी के मौसम में दूसरी जगह नहीं जाते हैं, वो उनकी बॉडी की टेम्परेचर को और खुद की एक्टिविटीज को डिक्रीज करते हैं ताकि वह उस ठंडे पानी में रह सके। और नर्स शार्क एक मांसाहारी प्राणी है जो ज्यादातर स्मॉल फिश, लॉबस्टर, क्रैब्स, सी अर्चिन, स्क्विड्स और स्नेल का शिकार करते हैं। और ये शार्क एक नॉक्टर्नल प्राणी है, मतलब वह प्राणी जो रात को सक्रिय रहता है और दिन में सोता है। वैसे ये शार्क इतना पॉपुलर तो नहीं है क्योंकि समंदर में फिशरमैन भी नहीं पकड़ते हैं, लेकिन इस शार्क का इस्तेमाल ऑयल के लिए किया जाता है जो उसकी लीवर से मिलता है, और मैन्युफैक्चरर्स के लिए लेदर प्रोड्यूस करता है। और नर्स शार्क एक ओवोवीवरस प्राणी है, मतलब वह प्राणी जो शरीर के अंदर ही अंडे देते हैं और उनके प्रेगनेंसी का समय तकरीबन 6 महीने का होता है, और ठीक 6 महीने बाद वह तकरीबन 21 से 28 बेबीज को जन्म देते हैं, बेबी पग को जन्म देते हैं। ज्यादातर बेबीज जून और जुलाई में बॉर्न होते हैं। जब वे बॉर्न होते हैं तब उनकी लंबाई 12 इंच की होती है और उनको सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 20 साल लगता है। और अगर फीमेल एक बार रिप्रोड्यूस कर दे फिर ठीक 18 महीने बाद फिर से रिप्रोड्यूस करती है। वैज्ञानिक के अनुसार इस शार्क की लंबाई तकरीबन 14 फीट की होती है और वजन तकरीबन 150 किलोग्राम का होता है, और यह शार्क समुद्रों में तकरीबन 25 साल तक जी सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जानकारी आपको कैसे लगती है मुझे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।